Question 30. Para which of the following species is not paramagnetic? ये आप लोग का chemical bonding है. Molecular और atom theory based concept. Option क्या दिया हुआ है? B2, NO, CO और O2. हमको ये बताना है इसमें कौन paramagnetic behavior का नहीं. तो आप लोग को एक technique भी बता रखे हैं. जहां इवन इलेक्ट्रॉन होता था वो डायमैग्नेटिक होता है, जहां इवन इलेक्ट्रॉन होता था डायमैग्नेटिक होता है, पर एक्सेप्ट 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता था, जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता था उसको हम लोग कहते हैं थे पारामैग्नेटिक. तो आप डायरेक्ट जोड़ लें B2 10 इलेक्ट्रॉन. अनपेयर इलेक्ट्रॉन और हम आसान वे में जाना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जिसके पास इवन इलेक्ट्रॉन होगा डायमैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा पारामैग्नेटिक. इवन इलेक्ट्रॉन में एक जगह याद रखना है कि 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन इवन होने के बावजूद भी क्या होगा पारामैग्नेटिक. तो B2 10 इलेक्ट्रॉन है. NO कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 15, 8, 6, 14 इलेक्ट्रॉन और 8 और 8 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 16. तो 10 इलेक्ट्रॉन इवन होने के बावजूद भी ये क्या होगा? पारामैग्नेटिक. 16 इलेक्ट्रॉन इवन होने के बावजूद भी क्या होगा? पारामैग्नेटिक. 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक. और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पारामैग्नेटिक. इसलिए हमें पूछ रहा है कौन इसमें पारामैग्नेटिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? CO पारामैग्नेटिक नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये ऑर्गेनिक से है. ऑर्गेनिक में क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन द ट्रीटमेंट विथ टर्ट सोडियम बुटॉक्साइड आयन फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर हेल्प्स टू डीकोलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन. तो पहले ये जान जाए ये कॉम्प्लेक्स करेगा क्या? ये बल्की बेस है, जब भी काम करेगा तो एलिमिनेशन का काम करेगा जब हैलोजन से रिएक्ट करेगा. तो जो ऑप्शन बन रहे हैं और ये हमेशा हॉकमन एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर्ड करता है, तो जहां डबल बॉन्ड बनेगा वहां पर तो ब्रोमीन वाटर साफ साफ एक्शन में आ जाएगा, और जहां पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा वहां पर ब्रोमीन वाटर एक्शन में नहीं आएगा. तो आप देखिए कि यहां पर डबल बॉन्ड बन सकता है क्योंकि अल्फा है और ये बीटा है, डबल बॉन्ड बन सकता है. यहां पर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, इसके बीच यहां भी डबल बॉन्ड बन सकता है. तो जहां जहां डबल बॉन्ड बनेगा वहां पर तो कलर डिक्लोराइज होगा, पर यहां पर कोई अल्फा कार्बन तो है पर बीटा कार्बन है नहीं, तो डबल बॉन्ड यहां बन ही नहीं सकता है. यही एक केस है जहां पर हम कलर को डिक्लोराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2. क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पूछ रहा है Which of the following reaction is an example of redox reaction? तो redox में किसको कहेंगे? जहां oxidation और reduction दोनों process एक साथ होता है उसको क्या कहेंगे? Redox. तो अगर आप ध्यान से देखते तो एक ही option दिख रहा है इसमें कि xenon fluoride O2 F2 से react कराएंगे तो xenon hexa fluoride बना plus O2. तो आप देखिए -4 +4 -2 +2 -6 +6 और 0. तो +4 से +6 जाना क्या है? ऑक्सीडेशन. और +2 से 0 जाना क्या है? रिडक्शन. तो जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स. क्या कहेंगे? रिडॉक्स. दिक्कत वाली बात है, इसलिए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर. क्वेश्चन नंबर 16 में जब जाते हैं तो पूछ रहा है
कि जो इंटरनल एनर्जी है जिसको डेल्टा ई या डेल्टा यू लिखते हैं इज इक्वल टू आइसोथर्मल वर्क, आइसोटोरिक वर्क, आइसोबारिक वर्क या एडियाबेटिक वर्क। तो आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को जानते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई वर्क के बराबर कब होगा, जब क्यू क्या होगा जीरो, तो डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू। सीधा हम लोग कह सकते हैं कि कैसा वर्क है, एडियाबेटिक वर्क। नेक्स्ट है 17। को आप ध्यान से देखिए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसमें कौन लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है, सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है फ्यूरिन, अब फोर्थ जो है वो है ब्रिडीन। आप जानते हैं कि ये सब फक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। और एरोमेटिक का मतलब ही होता है मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब ये रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहे हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के चलते ये एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। और एरोमेटिक नहीं है इसी के चलते ये लेस स्टेबलाइज है रेजोनेंस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो फिर ऑर्गेनिक से है, SN1 रिएक्शन से करा है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड फॉर द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन टू और मोर देन टू स्टेप प्रोसेस होता है, और जब भी रिएक्शन दो या दो से अधिक स्टेप में हो तो जो रिएक्टिविटी है जनरली जो कार्बोकेटायन बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और यहां भी यही चीज चेक करना है, इसका कार्बोकेटायन कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर इससे हम क्लोरीन निकाल दें तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया, अगर इससे क्लोरीन निकाल दें तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया, और इससे क्लोरीन निकाल दें CH2+ और ये हो जाएगा OCH2। यहां रेजोनेंस भी है और बैक बॉन्डिंग प्लस एम इफेक्ट के चलते सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है, थर्ड। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, थर्ड का। थर्ड के बाद कौन सा होगा, फर्स्ट। अब फर्स्ट के बाद कौन होगा, सेकंड। इसलिए जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ये क्वेश्चन आपको मोर कॉन्सेप्ट से, और मोर कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा है यहां पर देखेंगे ध्यान से। 1 ग्राम कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूस 0.01186 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द मोलर मास ऑफ कार्बोनेट इज। तो क्या कर रहा है कि जो कार्बोनेट है वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ HCl से, क्या दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका मोल दिया हुआ है 0.1186 मोल। कितने ग्राम कार्बोनेट, तो 1 ग्राम कार्बोनेट। आप करें क्या, तो रिएक्शन करके दिखाएं। जब आप रिएक्शन करके दिखाइएगा, 2HCl से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा 2MgCl CO2 प्लस H2। और इस बैलेंस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि 1 मोल कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल। दिया हुआ कितना ग्राम है, 1 ग्राम। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि अगर ये x मोल होगा तो ये कितना मोल होगा, x मोल। कहने का मतलब क्या, कि जो नंबर ऑफ मोल है
M2CO3 का वो बराबर होगा इसके नंबर ऑफ मोल CO2 का। तो नंबर ऑफ मोल M2CO3 का कैसे निकालेंगे, मास दिया हुआ है कितना ग्राम, 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल CO2 का कैसे निकलेगा, तो दिया हुआ है 0.01186। तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल लिए। दिक्कत अब है 20 क्वेश्चन जो है ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, अगर हल्का सा ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता तब तो तुरंत आंसर हम लोग कर लेते। सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एक्स प्रोड्यूस एफर्वेसेंस विद कॉम सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप ऑप्शन को देखें, C6H5 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एफर्वेसेंस दो दे सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट और ऑक्सैलेट। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है, ये नहीं कर सकता। पर जब नेक्स्ट जो रिएक्शन है एक्स रिएक्ट विद द एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड गिव्स वाई प्रिसिपिटेट, तो कैल्शियम के जो सॉल्ट होंगे वो सोडियम फॉर्मेट से रिएक्ट करके सलबल हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट नहीं देंगे। तो प्रिसिपिटेट कौन देगा, सिर्फ सोडियम ऑक्सैलेट। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे भी नहीं, हम डायरेक्ट यहां से आंसर कर देंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, Na2C2O4 सोडियम ऑक्सैलेट यानी 1। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 21। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास द बॉडी ऑफ ह्यूमन, किसी एडल्ट पर्सन के बॉडी में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 61.4%, कार्बन जो है वो है 22.9%, हाइड्रोजन जो है वो है 10% और नाइट्रोजन जो है वो है 2.6%, और जो वेट दिया गया है 1% का वो है 75 kg। तो पूछा जा रहा है द वेट विच इज 75 kg पर्सन वुड गेन, कितना वेट वो गेन करेगा इफ ऑल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम। तो आप क्या कीजिएगा, जरा देखिए ध्यान से, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। आप 75 kg को आप मान लें, उस ह्यूमन पर्सन का वेट कितना है 100 kg, उसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन है 10%, तो 100 kg का 10% कितना हो गया 10 kg। अगर उस आदमी का वजन 100 kg होता तो हाइड्रोजन कितना हो जाता 10 kg, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है 1। जैसे ही हम ड्यूटेरियम लेंगे तो हाइड्रोजन का वजन क्या होगा 1s2, यानी जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कितना केजी हो जाएगा 20 kg। यानी 100 kg में 10% हाइड्रोजन 10 kg है, ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे तो उसका वजन 10 दुगना हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो 10 kg है तो कितना केजी हो गया 20 kg। तो कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट है, 10% इंक्रीज कर रहा है। वही इंक्रीज करेगा कहाँ, जब हम 75 kg में लेंगे, तो 75 kg का अगर हम 10% लें तो कितना होगा 7.5 kg। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा 7.5 kg। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन फिर आपको ऑर्गेनिक से है, पूछ रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, C6H5 ये ब्रोमीन है, ये H है, फिर आप देखिए टर्ट पोटासियम बुटॉक्साइड है, इसको हीट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा एलिमिनेशन, इसको आप कह सकते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन, डीहाइड्रोहैलोजनेशन।
और डीहाइड्रोहैलोजनेशन से अल्फा से हैलोजन निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो अल्फा से हैलोजन निकाले और बीटा से हाइड्रोजन निकाले तो इस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड C6H5 और जो ऑप्शन में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 C6H5 ऐसे देख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, सब तो इजी कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ये थर्मोडायनेमिक्स है और कह क्या रहा है कि कार्बन ग्रेफाइट कुछ थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिए हुए हैं, O2 गैस बना क्या CO2 गैस और इसका वैल्यू क्या है? डेल्टा एच नॉट 393.5 केजी पर मोल। हाइड्रोजन H2 गैस, हाफ O2 गैस बना क्या H2O लिक्विड और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा एच डॉट -285.8 किलो जूल पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस +2H2O लिक्विड बना क्या CH4 मीथेन +2O2 गैस और इसका वैल्यू दिया हुआ है +809.3 केजी पर मोल। हम लोग से पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन द एबव थर्मोकेमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है ग्रेफाइट, 2H2 गैस, CH4 इसका वैल्यू निकालना है। आप करेंगे क्या भाई, इस तीनों थर्मोकेमिकल इक्वेशन को इस तरह से जोड़िए कि जोड़ने के बाद वही इक्वेशन आ जाए। ये ग्रेफाइट है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन को उसी तरह छोड़ दें, ग्रेफाइट +O2 गैस, CO2 गैस, डेल्टा एच और यहां दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन है इसलिए इस इक्वेशन में कितना से गुणा कर देंगे? 2 से। दो हाइड्रोजन से गुणा कर देंगे CO2 इसी तरह छोड़ दीजिए, 2H2O लिक्विड, CH4 गैस +2O2 गैस और डेल्टा एच कितना आ जाएगा? 0.3। अगर इसको जोड़े हम लोग क्या दिखेगा? 2H2O कट गया, CO2 कट गया, O2 कट गया, तो बचा क्या? ग्रेफाइट +2H2 गैस इज इक्वल टू CH4 और डेल्टा एच का वैल्यू अगर इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद -74.8 पर मोल। क्वेश्चन नंबर 24,